नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम जनरल पैथोलॉजी के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेल अडेप्टेशन। मान लीजिए कोई सेल है, इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हुआ और इस स्ट्रेस के सामने सेल ने कुछ अडेप्टेशंस किए, ये चेंजेस किए दोस्तों, उनको क्या बोलेंगे, सेल अडेप्टेशंस बोलेंगे। सेल अडेप्टेशंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एट्रोफी, सेकंड हाइपर ट्रोफी, थर्ड वन हाइपरप्लेजिया, फोर्थ मेटाप्लेजिया। वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रोफी, थ्रेटनिंग जरूर तो नहीं है दोस्तों, इसको ब्रेक करेंगे। एमिन्स हो गया, अब बोल सकते हैं लेस या एब्सेंस बोल सकते हैं। ट्रोफी मीन्स हो गया यहाँ पे ग्रोथ। यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों, यदि किसी सेल की ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या होगा दोस्तों, उसके साइज में कमी हो जाएगी। साइज में कमी होगी तो आप समझ सकते हैं ओवरऑल फंक्शन भी कम हो गया। अब साइज और फंक्शन कम क्यों हुए तो आप समझ सकते हैं, कोई भी सेल होती है उसका साइज एंड फंक्शन मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि इन प्रोटीन का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होने लग जाए तो सेल अपना साइज एंड फंक्शन मेंटेन नहीं रख पाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कोज क्या है इसका, कोज है प्रोटीन डिस्ट्रक्शन। कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें एट्रोफी देखी जा सकती है दोस्तों, ये हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है और यह हो सकती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो यहाँ पे आप एम्ब्रियोलॉजिकल लिंक कर सकते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा जब फीटस होता है उसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो वो स्ट्रक्चर्स गायब हो जाती हैं। एग्जाम्पल स्वरूप आपने नाम सुना होगा डक्टस आर्टेरियोसस एंड नोटोकोर्ड, ये स्ट्रक्चर्स किस में होते हैं, ये होते हैं फिटस में प्रेजेंट होते हैं, बट जब बच्चे का जन्म होता है तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं दोस्तों। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे पैथोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं दोस्तों, तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो बात करेंगे वो है माल न्यूट्रिशन। पहले बात करी दोस्तों अपन लोगों ने, कोई भी सेल होती है उसका साइज में फंक्शन मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का जरूरी पड़ता है। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए या उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाए तो क्या होगा, सेल की साइज कम हो जाएगा या फंक्शन कम हो जाएगा। तो माल न्यूट्रिशन में क्या होता है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है उसकी
डेफिशिएंसी होती है, उससे क्या होगा, सेल साइज एंड फंक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात करें सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर एट्रोपी, इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किडनी का, ये मान लो आप किडनी है, मान लीजिए इस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो आप समझ सकते हैं जो यहाँ का यूरिन है वो बाहर नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा कि किडनी का ये जगह है यहाँ पे यूरिन का अकुमुलेशन होने लग जाएगा, तो क्या होगा जो यूरिन है वो कॉर्टिकल सेल्स पे प्रेशर लगाने लग जाएगा, प्रेशर से क्या होगा दोस्तों, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके साइज में क्या हो जाएगी, कमी आने लग जाएगी। ठीक है, थर्ड वन, डिसयूज एट्रोपी, इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, उसके फोरआर्म जो बोन्स है उसमें क्या हुआ, फोरआर्म्स की जो बोन्स है उसमें फ्रैक्चर है, आप उसके फोरआर्म्स की बोन्स है उसमें प्लास्टर लगाते हैं एंड उसको बोलते हैं कि आप जो आपकी जो फिंगर्स हैं उसमें क्या फिजियोथेरेपी कीजिएगा, लेकिन उसने ये सब नहीं किया तो क्या होगा, जो हाथ की थिनार है एंड हाइपोथिनार मसल्स की सेल्स हैं उनके साइज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आगे बात करेंगे दोस्तों डीनर्वेशन एट्रोपी, मान लीजिए ये नर्व है और ये स्केलेटल मसल की सेल है कोई, यदि इस नर्व में कोई डैमेज हो जाए तो सिग्नल इस नर्व से इस सेल तक नहीं आएगा, यदि यहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं होती तो इस सेल का क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। फिफ्थ बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस्केमिक एट्रोपी, इस्केमिया मतलब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है इस्केमिया, इसमें मतलब होता है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू सेल्स या डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू सेल्स, समझ सकते हैं यह है सेरिब्रल आर्टरी मान सकते हैं इसको और यह है न्यूरॉन ब्रेन की, यदि इस न्यूरॉन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो क्या इन न्यूरॉन क्या करेगी, एसिटाइल कोलिन की सीक्रेशन कम कर देगी, उससे क्या होगा दोस्तों, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट होने लग जाएगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज। तो अपन लोगों ने बात करी दोस्तों आज एट्रोपी के बारे में, यदि दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे को इसका फीडबैक दे सकते हैं एंड कुछ सुझाव भी दे सकते हैं कि दोस्तों मैं आगे कुछ इसके बारे में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। नमस्कार दोस्तों।